नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार मिश्र से और एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही मिलेंगे प्रेस कर बिल नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। जैसा कि आप थंबनेल में समझ गए, आज हम बात करने वाली क्या चीनी जहर है। बिल्कुल गाइस, अगर आप मीठे के शौकीन हो तो ये वीडियो आपके लिए डिसअपॉइंट कर सकती है। मीठा देखो, मीठा में कौन सा मीठा सही है पहले। अगर आप हनी ले रहे हो सैचुरेटेड, जो कि आर्टिफिशियली बनाया गया है चीनी, जैसे चीनी अगर आप गुड़ ले रहे हो ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा नहीं कम मात्रा में, तो वो तो फ़ायदेमंद है ठीक। अगर आप 25 से 30 ग्राम गुड़ रोज़ लेते हो मीठा जिसको कहते हैं, वो फ़ायदेमंद है क्योंकि शुगर कैन से बनती है। लेकिन जो काली वाली हो जिसको कहते हैं, काला भी होता है किसी किसी जगह पे, वो हल्का पीला पे भी होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है गन्ने की क्वालिटी के ऊपर। अगर हम बात करें चीनी की, तो क्या क्या प्रॉब्लम चीनी दे सकती है, जो चीनी आर्टिफिशियल चीनी की बात कर रहा हूँ मैं, जो मार्केट में क्रिस्टल वाली चीनी मिलती है। देखिए पहली चीज़ तो बात कर लें, क्या साइंटिफिक क्या कहता है कि चीनी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। चीनी जो है, अगर साइंटिफिक बात करें हम, तो चीनी की जो क्वान्टिटी वो ज़ीरो है। जी हाँ, आपको चीनी ज़ीरो लेनी है फ्रूट के साथ या गुड़ वगैरह, तो वो आप 25 से 30 ग्राम ले सकते हो, फ्रूट खा सकते हो, क्योंकि जो शुगर होता है वो रोटी में भी होती है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो चीज़ मीठी लगती बस वही चीनी नहीं है या वही शुगर नहीं, वो तो एक्सेसिव हो गया, आर्टिफिशियल बनाया गया उसको। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए शॉर्ट टर्म में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं दिखेगी, शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा अरे चीनी है बहुत मस्त है, खाए जा रहे हो अब खाए जा रहे हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम क्या होगी, पहला तो ये दिक्कत करता है आपका फैट को इंक्रीज करने में, दूसरा हार्ट डिजीज़, एपेटाइट कंट्रोल ख़राब कर देता है, डाइजेशन, हार्मोनल डिसबैलेंस, महिलाओं में तो समझो कि एकदम PCOD, फर्टिलिटी, थायराइड, बहुत सारी चीज़ों पे, ऑर्गन को बढ़ा देता है, मतलब एनलार्जमेंट को बढ़ाता है, ऑर्गन के एनलार्जमेंट को बढ़ा देता है। तो इन सब चीज़ों पे ये लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट डालेगा, शॉर्ट टर्म में आपको कुछ नहीं होगा। जब आप क्यों आजकल के टाइम में लोगों की आयु क्यों घटते जा रही, उसका रीज़न क्या है, पहले के टाइम में लोग गुड़ खाते थे, दूध पीते थे, और मतलब कि हर्बल चीज़ चना खाते थे। आज के टाइम में क्या खा रहे हैं लोग, चीनी, हर जगह चीनी, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो उसमें तो और 80 ग्राम तक चीनी है कोल्ड ड्रिंक में। आप कोई भी बाहर का सीरा वाला चीज़ खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, तो उसमें भी चीनी है। ये आपको ओल्ड एज बनाता है, मतलब एजिंग को ये बढ़ा देता है ठीक है। अगर नेचुरली बात किया जाए तो आपकी बॉडी जो है चीनी को ऑब्जर्व करने के लिए नहीं बनी है, जो आर्टिफिशियल हम लेते हैं, ये बनी है नेचुरल शुगर को ऑब्जर्व, जैसे आप फल में हो गया, केले में हो गया, रोटी में हो गई ठीक है, या नेचुरल गुड़ जो होता है वो भी नुकसानदेह है, लेकिन एक सीमित मात्रा में, मैंने बताया ना 25 से 30 ग्राम लेंगे तो बेनिफिशियल है, उससे ज़्यादा लोगे तो नुकसानदेह है, खासकर चीनी। इसी लोग आजकल ओल्ड एज मतलब जल्दी बूढ़े हो जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये आपके स्किन्स को ना बिल्कुल ढीला कर देता है ठीक, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इसका बहुत कम होता है बॉडी में। तो ओवरऑल बात करें तो चीनी जो है ना आपके सेहत के लिए बिल्कुल जहर के समान है। अगर लंबी ज़िंदगी, सबसे ज़्यादा ये डिप्रेशन को बढ़ाती है। आप चॉकलेट खाओगे वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जब जो चीनी जो होता है वो एक अलग चीज़ में हो जाती है, तो इसकी कॉम्बिनेशन के ऊपर में होता है। जो भी डायरेक्ट शुगर आप लेते हो वो आपके बॉडी के लिए सही नहीं है, नेचुरल शुगर आप ले रहे हो वो सही है ठीक। तो आई होप कि गाइस, देखो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, एक्चुअली क्या है ना, शुगर आपके अंदर ना एडिक्शन को पैदा करता है, चीनी जो है एडिक्शन को पैदा करता है, जैसे डायबिटीज़ वगैरह डिजीज, आप उसको खाए बिना रह ही नहीं पाओगे। तो ये गाइस मेरे वीडियो बनाने और कहने से कुछ नहीं होगा, आप कहोगे ये तो बकवास कर रहा है ऐसे ही, आपको जो भी लगता है ठीक है, मैं बकवास ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ, मैं नेगेटिव क्यों करूँगा बात। ये इफेक्ट डालता है लॉन्ग टर्म में आपके बॉडी को ठीक। अगर आप एजिंग से बचना चाहती हो, डायबिटीज से, हार्ट डिजीज से, कोलेस्ट्रॉल से ठीक है, फैट से, ऑर्गन फैट से, थायराइड से, PCOD से, इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो ना, चीनी को आज ही ना कह दो और गुड़ खाना शुरू करो, या फिर दोनों में से कोई मत खाओ, नेचुरल शुगर, हनी,
हानि वो नुकसानदेह नहीं है, आप हानि को लोगे वो बल्कि फ़ायदा करेगा, लेकिन लोग यूज करेंगे नहीं। आप चाय भी बना रहे हो उसमें आप हानि डाल सकते हो गाइस, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ महंगा है चीनी इसलिए सस्ते, सस्ती चीज़ें देखो हमेशा ख़राब ही होती है, आप समझो मेरी बात को। जो भी चीज़ें सस्ती है वो इजी अवेलेबल है, तो आपको अच्छी चीज़ें तो महंगी मिलेगी ना। हनी समझ रहे हो ना कितनी एनर्जी है उसके अंदर, तो ये सारे चीज़ें जो है आपको गाइस देखना पड़ेगा कि क्या है आपके आसपास और क्या आपके लिए बेस्ट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीनी का जो डाउट है वो आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए आज से ही चीनी कहो ना और टाटा बाय बाय। आप इसके लिए नेचुरल सोर्सेस ले सकते हो, चाहे फल हो, केला हो, हानि हो, गुड़ हो, ये सब चीज़ें आप यूज कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना, मैं आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी एल डी एंड बी ए पी। और किसी भी तरह का आपको अपॉइंटमेंट, मेडिसिन या डाइट प्लान वगैरह है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा कमर्शियल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। जैसे ही आप छोड़ोगे तो हमारी टीम जो है खाली रहेगी, जो अपॉइंटमेंट अवेलेबल रहेगा तो आपसे संपर्क कर लेगी। तो बस आज के दिन तो मिलेंगे, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियोज़। बाय बाय।